पलटने से तो नीतीश जी अपना कुर्सी बचा लेते हैं, आप लोगों को तकलीफ नहीं होती है? सांसदों को पलटू नाम क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो आपके जो सबसे बड़े सहयोगी हैं तेजस्वी यादव कहा करते थे, लालू प्रसाद यादव कहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुफरान और आपका स्वागत है गुफरान रॉक स्टार यूट्यूब चैनल पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त हम सीमांचल के धरती पूर्णिया शहर में उपस्थित हैं। अगर जगह की बात करें तो ई होम्स पनोरमा में। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक सीमांचल मीट रखा गया है जिसमें अपने शहर और अगल बगल के शहरों के बड़े बड़े दिग्गज नेता आने वाले हैं, जो आए भी हैं, बहुत सारे का इंटरव्यू भी लिया जा रहा है इस वक्त, तो उसी को हम आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ के बैकग्राउंड या फिर जो ग्राउंडों को कैसे किस तरह किया गया है, किस तरह सजाया गया है, उसको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर बात करें कौन से नेता आने वाले हैं तो थोड़ा कैमरामैन अब थोड़ा बैक में जो दिख रहा है बैकग्राउंड, ये पोस्टर जो लगा हुआ है इसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये सब सारे नेता आए हुए हैं और कुछ आने वाले भी हैं। चलिए सीमांचल मीटअप जो मेन रखा गया है उसका कारण बता दें आप लोगों को कि यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता आने वाले हैं उनसे डायरेक्ट पब्लिक बात करने वाले हैं, यानी कि डायरेक्ट सवाल करेंगे कि सीमांचल को कैसे तरक्की में लाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा नेता किस तरह से बात करते हैं, उनका कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं। लेकिन जब अब सारी चीजें जगह पे आ गई है तो मेरा पक्का विश्वास है कि पूर्णिया का एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारा उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी है गुलाबबाग। जो गुलाबबाग मंडी है आज बिहार में पहला है। यहाँ पे अभी 100 करोड़ से अधिक के लागत से मंडी के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। ये मॉडल बाजार समिति बनाने का काम किया जा रहा है। अभी फेज वन फेज टू मिला के लगभग 120 करोड़ रुपया से यहाँ पे काम चल रहा है। हमारे इस फेज टू के तुरंत बाद फेज थ्री भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो गुलाबबाग बाजार समिति है और बेहतर तरीके से बाजार समिति यहाँ पे काम करे। जो किसानों का समस्या है वहाँ पे उसको किसानों को बैठने का, किसानों को सोने का, टॉयलेट से लेके उसको अनाज को रखने के लिए मंडी को सुसज्जित करने का काम, रोड पानी सारी सुविधाएं मंडी के अंदर में हम लोग करवा रहे हैं। हमारे साथ एक किसान भी है, एक सम्मिलित किसान है यहाँ पास, तो कुछ है किसान के मुद्दे पर? क्योंकि लगातार लोग कमेंट करके बता रहे थे कि किसान के मुद्दे को ज्यादा उठाना है। पूर्णिया में एक चीनी मिल था जो कि हमारे बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, विधायक जी से लेकर के सांसद महोदय तक आज तक वादा करते रहे कि चीनी मिल हम लोग खुलवाएंगे, लेकिन खुलवाने के जगह पे, चालू करने के जगह पे वो बंद भी हो गया और बिहारा को जमीन दिया गया, जिसके चलते लाखों किसान, लाखों बेरोजगार लोगों, लाखों मजदूरों का ये स्थिति है कि बनमनखी से वह अन्य प्रदेश, अन्य विकसित राज्य में से जाने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसके चलते हम लोग काफी दुखदाई है। और मैंने माननीय हमारे सांसद महोदय संतोष कुशवाहा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बनमनखी के धरोहर जगह आपको जो विरासत मिला है जनता का, उस पे कम से कम बनमनखी के लाखों किसान, लाखों बेरोजगार लोगों पे आपने अपनी सदन में आवाज उठा करके बनमनखी की जगह को आप अपनी ओर से उनको चर्चा में लाएं और बनमनखी के लाखों किसान को विकसित के रूप में देखने का काम। ठीक है, आप जवाब देंगे। बनमनखी चीनी मिल सरकारी चीनी मिल था, काफी घाटे में था और जो वहां के एम्प्लॉय थे उनका भी काफी बकाया था। तो सरकार ने नीतिगत फैसला लिया कि इस चीनी मिल को बंद कर देना है और जो चीनी मिल की जमीन है वो बियाडा को हस्तांतरित कर दिया गया, बियाडा को दे दिया गया, ताकि वहां पे जो नए उद्यमी हैं, जो नए व्यवसाय और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज बनमनखी का जो चीनी मिल था तो बियाडा आज उसको बाउंड्री वॉल करके उसको
विकसित कर रहा है और वहां पे नई इकाई जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, उसको वहां पे जगह लेके अपना उद्योग लगा सकते हैं। जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा, वहां पे इंडस्ट्री लगेगी, तो वहां से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए उद्योग लगेंगे, उससे भी वहां पे रोजगार उत्पन्न होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। इसलिए सरकार ने तय किया है कि चीनी मिल सर्वाइव नहीं कर पाया, चीनी मिल में नुकसान हो रहा था सरकार को, और सरकार ने नीतिगत फैसला किया कि हम लोग अब कोई इंडस्ट्री चलाएंगे नहीं, और जो चलाना चाहेगा जो भी उद्यमी, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। एक संतोष जी, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, एक चर्चा खूब है कि संतोष कुशवाहा को टिकट मिलने नहीं देंगे, अगर टिकट मिल गया तो जीतने नहीं देंगे, आप ही के पार्टी के लोग? मेरे पार्टी के लोग ऐसा कह ही नहीं सकते, आप एकदम निश्चिंत रहिए। मिलने देना है सर, आप पार्टी में नहीं है या वो पार्टी में नहीं है, क्या माना जाए? क्या आपके जवाब से क्या माना जाए कि आप पार्टी में नहीं है कि वो पार्टी में नहीं है? नहीं, मैं देखिए, सभी लोग पार्टी में कौन कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। मुझे आप जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, मुझे इस सवाल से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं और मुझे जानकारी नहीं है। अगर मान ले कि तू यहाँ का कोई मंत्री बन गया, कोई बड़ा मंत्री बन गया, अभी मैं सुन रहा था तू दो तीन जगह भाषण भी देकर आया है, अगर तू मंत्री बन जाएगा तो क्या करेगा? सुन, सबसे पहले मैं पूर्णिया को राजधानी बनाऊंगा। पूर्णिया को राजधानी बनाएगा, इसके पीछे कारण क्या है? तो भाषण दे रहा था, फिर पत्रकार ने पूछा। क्या पूछा? एक बात बताइए, बिहार की राजधानी कहाँ है? हाँ, मैंने जोश जोश में पूर्णिया कह दिया यार। देखिए साहब, जो लोग नशा करते हैं ना, जो लोग नशा करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं, तो फिर जवानी नहीं थे। परसेंटेज हो सकता है मेरा 60% हो, 70% को हम दें तो बचा सकता है, बाकी इन्होंने जो कहा इनका अपना विजन है। मेरा था कि 22 गांव किशनगंज जिला का जो 500 मीटर भीतर में बांध का दायरा है, 18 गांव पूर्णिया जिला का, 14 विलेज कटिहार जिला का पड़ रहा है। अगर उन लोगों को सरकार जैसे रोड बनाने में विस्थापित करते हैं, उन लोगों को अगर नया गांव बसावट कर दे और फिर बाकी चीज जो कमी है एक्सपर्ट से डिस्कस करके वो करेगा, तो हमको लगता है अगर 60% भी पानी रोक सकते हैं तो हमारा पलायन भी कम सकता है और किसान समृद्ध हो सकता है। नवलकिशोर ऋषिदेव विधायक कुमार खंड की बदौलत वो बने थे, फिर 11 एमएलए निर्दलीय जिस पर बीजेपी भी साथ में थी, माले भी सब लोग, उस वक्त माले नहीं था, माले थर्ड बार साथ में था, उसके पहले कम्युनिस्ट साथ में थी, बाद में फिर कांग्रेस भी आई, बीजेपी जब निकली, तो आप इसको ऐसे समझे, उस वक्त 11 निर्दलीय एमएलए लेके हमने लालू यादव जी के सपोर्ट में खड़ा रहा। एक नरसंहार हुआ जिसमें हम चले गए नोगेचिया में, वो कुछ पसंद किसी को नहीं आया होगा, तो अपनी राह अपनी टपली। देखिए, जब हम आए थे चुन करके आए हैं एमएलए, तो आप इस पर बात करिए ना।